अपनी मांगों को लेकर बिजली बोर्ड के कच्चे कर्मचारियों ने आज बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह के घर का घेराव किया। तस्वीरें आपको सिरसा शहर में चौधरी रंजीत सिंह के निवास के बाहर की दिखा रहा हूं, जहां सैकड़ों की संख्या में कच्चे कर्मचारी टाउन पार्क से प्रदर्शन करते हुए विभिन्न बाजारों से होते हुए बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह के घर के बाहर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मंत्री के घर का घेराव भी किया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि कच्चे कर्मचारी की कुछ मांगे काफी समय से लंबित हैं और हर बार इन मांगों को पूरा करने के नाम पर सरकार की ओर से कोरा आश्वासन दे दिया जाता है। इसी के विरोध में आज हरियाणा भर से कच्चे कर्मचारी सिरसा में एकत्रित हुए और उन्होंने टाउन पार्क में बैठक कर रणनीति भी बनाई और उसके बाद चौधरी रंजीत सिंह के घर का घेराव भी किया। आज अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा, जिसने की 1 तारीख के लिए विद्युत मंत्री के घेराव का नोटिस दिया हुआ था, जिसके बाबत 30 तारीख तक के लिए इनको समय दिया हुआ था ताकि आधिकारिक बैठक बुला के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनका समाधान करवा सके। लेकिन ये इतनी कमज़ोर और गुंगी बैरी सरकार है कि इनको ये नहीं पता कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन के अंदर जहाँ एक तरफ सारी दुनिया अंदर कैद थी और उसके समय में जो सबसे ज़्यादा काम किया वो अनुबंधित कर्मचारी ने किया, बिजली बोर्ड के साथियों ने किया, एक मिनट भी किसी की सप्लाई बंद नहीं होने देगी। लेकिन जब उन्होंने अपना मांग पत्र दे दिया और उस मांग पत्र के अंदर 30 तारीख का समय दिया हुआ है, फिर भी मीटिंग का समय ना देना, इससे ये साफ दर्शाता है कि इनकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। हम लोगों की सब कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, हम लोग केवल इतना चाहते हैं 58 साल तक रोजगार सुरक्षित किया जाए और सबको एक सम्मानजनक एक वेतन दिया जाए। जिस तरह मुख्यमंत्री का और इस बीजेपी सरकार का नारा है हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसी तरह हम भी चाहते हैं एक स्टेट और एक रेट दिया जाए ताकि कर्मचारियों का जो गुजर बसर है बढ़िया तरीके से उसके। आज सर कितने कर्मचारी इकट्ठे हो, कहाँ कहाँ से कर्मचारी हैं? आज पूरे हरियाणा से, हरियाणा प्रांत के कोने कोने से बिजली बोर्ड के कर्मचारी आए हुए हैं। लगभग 4,500 कर्मचारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये तो एक मान के चलिए एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर अभी भी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम अपनी प्रदेश स्तरीय बैठक के अंदर आज शाम को जो होगी उसके अंदर आगे का निर्णय लेके आगे की कार्यवाही की घोषणा करेंगे।